है, जम्मू का नरवाल इलाका है, और जम्मू के नरवाल इलाके से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि क्या यहां पर हुआ, क्योंकि दो धमाके बैक टू बैक हुए हैं जो मेरे सहयोगी आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे, क्योंकि जो दो धमाके हुए हैं अभी उसको लेकर कंफर्मेशन भी हो गई है और तस्वीरें तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। 6 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, और जैसी कोई अपडेट मिलेगी वो भी JK 24/7 न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देने की कोशिश करेगा। लेकिन दो बैक टू बैक धमाके, 6 लोगों के घायल होने की खबर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है और दूसरी तरफ जम्मू के अंदर नरवाल इलाके में इस वक्त बैक टू बैक दो धमाके हुए हैं। हालांकि आज भारत जोड़ो यात्रा पर विराम है, कल से एक बार फिर से वो जम्मू के अंदर शुरू होगी, क्योंकि कल हमने देखा था कि कठुआ में किस तरीके से राहुल गांधी चलते हुए नजर आए, लेकिन ये इलाका नरवाल का बताया जाता है और आपको जानकारी इस वक्त की ताजा देने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे यहां पर धमाका हुआ है। इलाके को पूरी तरीके से अभी घेरा गया है। जानकारी इस वक्त की ताजा और खबर इस वक्त की बड़ी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रितिका राजपूत मेरे साथ जुड़ रही हैं, मेरी सहयोगी फोन लाइन पर, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रितिका, अभी जो खबर आ रही है 6 लोगों के घायल होने की है, क्या और अपडेट आया है कि एक से दो व्यक्ति और घायल हुआ हो, क्योंकि 6 अभी तक संख्या बताई जा रही है, क्या कुछ इलाके को लेकर अपडेट है जहां पर धमाका हुआ है? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू के नरवाल इलाके में ये ब्लास्ट हुए हैं और ये मिस्टीरियस ब्लास्ट है, क्योंकि अभी तक किसी के बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि असल वजह क्या कुछ है। अभी तक जितने तो 6 हुए हैं, संख्या 6 बताई जा रही है, जिनमें कुछ के कर्मी जो है जो घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता रहे ये वही रूट है जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में 1 से 2 दिन के अंदर निकलने की, यही वही रूट है वहाँ से निकलने के लिए बंद किए गए हैं, और यहीं पे आज जो मिस्टीरियस ब्लास्ट हुए और अभी इंतजार किया जा रहा है कि इस प्रकार से लोगों को सुरक्षित करवाने का काम तो हो ही रहा है, परंतु असल कारण क्या है इनका भी कार्य किया जा रहा है। ठीक है रितिका, यानी अभी ये कंफर्मेशन नहीं हो पाई है कि ये आतंकवादी हमला है, कौन सा हमला है, क्योंकि अभी इसके बारे में पुष्टि नहीं की गई है। ये हमारे दर्शकों को क्लियर करिएगा, क्योंकि अभी जो धमाके की तस्वीर जो जहां पर धमाका हुआ है वो तस्वीर JK 24/7 न्यूज उस वक्त लाइव अपने दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि ट्रक खड़ा है और कहा जाता है कि इसी ट्रक के बगल में धमाका हुआ है। बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि पहले एक धमाका जो है वो जो बजालता एरिया में बताया गया था, परंतु उसी के बाद जम्मू के नरवाल इलाकों में भी मिस्टीरियस ब्लास्ट बताया गया। टोटल 2 ब्लास्ट है जो बताए गए हैं, परंतु अभी तक असल कारण नहीं पता चल पाए हैं। पूरी पुष्टि की जाएगी, पूरी जांच पड़ताल की जाएगी, पूरे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और उसके बाद फॉरेंसिक के क्या कुछ रिपोर्ट आएंगे उसके बाद पूरी पुष्टि की जाएगी पुलिस प्रशासन के द्वारा, फिर भी पता चल जाएगा कि असल में कोई आतंकी हमला था या कोई और वजह से किसी और कारणों से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है।